ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव, मान लो कि टॉप सिक्स यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि CUCET एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी इस बार 2022 वाले सेशन में। जिस स्टूडेंट्स का इन सिक्स यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है, इन छः में से किसी भी एक भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हो जाता है, पहले जो होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो पार्ट नहीं था CUCET का, बट इस वाले सेशन में 2022 वाले सेशन में जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्ट्स है और ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी 54 आई थिंक की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं इस बार 2022-23 वाले एडमिशन सेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ का, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को जो है टॉप फाइव या टॉप सिक्स यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलेगा जो कि CUCET एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं एंड एडमिशन उनसे मिलता है। तो आप चाहें तो इसको अपने प्रेफरेंस पर रख सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में रैंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो रैंकिंग को अपने हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पर आप रख सकते हैं, बट जो मेरा एक सिनेरियो है वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो नंबर वन यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, ठीक है। और JNU यूनिवर्सिटी जो है वो PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए बहुत नंबर वन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके साथ साथ में जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी JNU बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और उसको हम फर्स्ट रैंक इस वजह से देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो नंबर वन यूनिवर्सिटी आती है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये जो अधिकतर पॉपुलर हुई है यूनिवर्सिटी, ये PG के कोर्सेज के लिए हुई है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर वन मानी जाती है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पे जो है हम रखने वाले हैं वो है BHU को, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल लेवल पर सेकंड रैंक जो है इसका NIRF के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पर आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है JNU, ठीक है। NIRF रैंकिंग क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रैंक दिया जाता है। तो सेकंड रैंक में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आप इसके BHU के बदले सेकंड रैंक में आप DU को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, बट हम सेकंड रैंक पर इसको मान के चलते हैं। तो BHU होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि UP में है और बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं BHU के अंदर, और इसके ग्रेड भी A+ A+ इस तरीके से ग्रेड देखने को मिलते हैं। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी। CUSET एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये जो CUSET एंट्रेंस एग्ज़ाम BHU जो कंडक्ट करवाएगा, सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट करवाएगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड पे, तो थर्ड पे हमारा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड इंडिया के नहीं सिर्फ वर्ल्ड में जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस यूनिवर्सिटी है। और इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेड जो दिया गया है वो +AAA करके प्लस इसको ग्रेड मिला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत फेमस और लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ठीक है। और इसमें जो है बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती है स्टूडेंट्स की, 70 कॉलेजेस है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो फर्स्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का सपना होता है DU के अंदर पढ़ना, और ख़ासकर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा हो तो वो सपना और भी बड़ा हो जाता है कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना है, ठीक है। तो एक माहौल बन जाता है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। इसके साथ साथ में इंग्लिश, हिंदी और कई तरह के लैंग्वेजेस कोर्स करवाए जाते हैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। डिप्लोमा कोर्सेज भी अब अलग अलग कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में इसकी जो मोस्ट पॉपुलर कैंपस है वो है नॉर्थ कैंपस, जिसके अंदर आपका सेंट स्टीफन एंड हिंदू हंसराज कॉलेजेस आते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो सब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट्स होता है इन कॉलेजेस की, ठीक है, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है। तो मेरा तो प्रेफरेंस रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपका DU के अंदर एडमिशन होता है तो इसको आप फर्स्ट रैंक मान कर ही चलिए, ठीक है।
फर्स्ट प्रेफरेंस। बात कर लेते हैं नंबर फोर पर, तो नंबर फोर पर आता है हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो नंबर फोर पर इसको मान सकते हैं, और इसकी भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। ठीक है, और जो ये भी 100 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस है, 100 ईयर्स कंप्लीट होगा, और इसकी ग्रेड जो देख सकते हैं आप नेक द्वारा दिए गए हैं, A++ ग्रेड इसको भी मिला हुआ है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल लेवल की। इसके अंदर भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आप मान के चलिए आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स, बहुत अच्छे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। कई स्टूडेंट्स का इसके अंदर टारगेट होता है, तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है तो आप आराम से इस यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर अच्छे से ब्राइट कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर फाइव की यूनिवर्सिटी पर, तो उसको हम मान सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि यूपी में है और प्रयागराज में है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने 2005 से लेकर 2050 तक बहुत सारे IPS ऑफिसर्स, IAS एंड जितने भी प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जो अभी वर्तमान समय में बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने दिया है। और हमें देखने को मिलता है ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड्स की अगर हम बात करें ग्राउंड पर, तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं इस यूनिवर्सिटी से 2005 से लेकर 2010-15 के बैच तक जो है निकले हैं। तो बहुत मानी जानी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चाहें तो आप इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं CU SAT एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर कर। ठीक है, बहुत अच्छी टीचर फैकल्टी भी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो है एक अच्छा, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको बहुत बहुत जो है वो हेल्प होने वाली है आपके फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करें सिक्स नंबर पर यूनिवर्सिटी है, तो सिक्स नंबर पर आप इस यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम AMU बोलते हैं, उसकी भी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, ए है, ए प्लस है ये इसकी रैंकिंग है। सो बहुत अच्छी इसकी भी रैंकिंग है। अगर आपका इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन होता है तो आप इसके अंदर ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल लेवल पर बहुत फेमस और अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी अच्छी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, टीचर फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। मेजर सिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इसके ऊपर बात कर लिया, और जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी इस बार। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर करेंगे तो ही आप इन यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप फाइव अंडर यूनिवर्सिटीज़ है अंडर CU SAT उसको क्वालिफाई कर, CU SAT एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए एप्टीट्यूड लेवल की। आप सभी स्टूडेंट्स को जैसा कि पता होगा कि दो सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है जो एप्टीट्यूड लेवल का सिलेबस है, उसको आप चाहें तो आप धीरे धीरे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका इंग्लिश हो गया, वर्बल्स हो गया, तो क्वांट्स हो गया जो कि मैथ्स आता है, बेसिक मैथ, तो वो सारी चीज़ें कवर आप कर सकते हैं अभी से। आई होप ये वीडियो, इस वीडियो के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स को अंडर CU SAT जो टॉप सिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी CU SAT से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर मिलता रहता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये जितनी भी रैंकिंग दिया है मैंने, ठीक है, और मैं बोल भी रहा था कि आप DU को फर्स्ट पे रख सकते हो, क्योंकि DU के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। सो आप चाहें तो DU को फर्स्ट रैंक पर भी रख सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।